मेकअप बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मार्केट में है बहुत टाइप के सेटिंग स्प्रे अवेलेबल है, पर मैंने अपने लिए ना मैक का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा चाहिए था जिससे कि मेरा मेकअप ख़राब भी ना हो, बहुत लॉन्ग वेयर तक चले। हेलो एवरीवन, मैं ब्यूटी ब्लास्ट चैनल से हूं और मैं आप लोगों के साथ आज एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप सेटिंग स्प्रे का वीडियो रिव्यू करूँगी। ये मैक का ही है, मैंने इसे नायका से परचेज़ किया है। ये जो सेटिंग स्प्रे है प्री प्लस प्राइमर फिक्सर है। ये आपका ऐसा नहीं है कि आप ये सेटिंग स्प्रे है तो आप सिर्फ इसे सेटिंग स्प्रे के तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसे 2-3 तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मतलब हम लोगों को ना सेटिंग स्प्रे यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जब मेकअप करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, लूज़ पाउडर, तो ये सब का ना जो एक रहता है, हमारे फेस से एक्सेस ऑयल निकलता है जिससे हमारा ये सब कुछ ख़राब होता है। पर सेटिंग स्प्रे जो होता है ये सब को ना सेट करके आपके मेकअप को ना लॉन्ग वेयर तक टिकाता है, आपका मेकअप बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मार्केट में है बहुत टाइप के सेटिंग स्प्रे अवेलेबल है, पर मैंने अपने लिए ना मैक का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा चाहिए था जिससे कि मेरा मेकअप ख़राब भी ना हो, बहुत लॉन्ग वेयर तक चले। इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं और इसका ना छोटा साइज़ भी अवेलेबल है। अगर आपको जस्ट ट्राई करने के लिए आपको परचेज़ करना है तो आप इसका छोटा साइज़ परचेज़ करके यूज़ कर सकते हैं। छोटा साइज़ 1200 रुपीज़ का आता है और मैंने बड़ा साइज़ 1900 से मैंने परचेज़ किया है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, पर अगर आप कुछ अच्छा ढूंढते हैं, मतलब जो मेरे फेस को नुकसान ना करे, मेरा मेकअप बहुत लॉन्ग वेयर तक चले, मेरा मेकअप बिल्कुल ख़राब ना हो, तो कुछ अगर आप अच्छा ढूंढ रहे हैं तो ये जो सेटिंग स्प्रे है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जो इसकी आउटर पैकेजिंग एक ब्लैक कलर के बॉक्स में है और मैंने रोज़ वाला अपने लिए परचेज़ किया है। इसे ओपन करने के बाद ये इस तरीके का एक बॉक्स ओपन होता है, एक प्लास्टिक जार में है, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो भी इंग्रेडिएंट हैं ये पूरे पीछे मेंशन किया हुआ है। ये जो प्राइमर है लगाने के बाद आपके फेस को, मतलब आप इसे ना, ये मेकअप फिक्सर है लेकिन आप इसे एज ए प्राइमर भी ना यूज़ कर सकते हैं। फेस को इमिडिएटली मॉइस्चराइज़ कर देता है। और जैसे आप इस फिक्सर को यूज़ करते हैं, आप मेकअप करने के पहले भी यूज़ कर सकते हैं एज ए प्राइमर, आप इसे लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं एज ए फिक्सर। तो ये इसमें एक ब्लैक कलर का एक कैप है और एक नीचे प्लास्टिक की बॉटल है। इसमें इंग्रेडिएंट पूरे मेंशन किया हुआ है और इसमें एक पिन है, नोज़ल है, जिसमें आप इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, आप इस तरीके से करेंगे तो लॉक हो जाएगा। कभी भी आप इसे यूज़ करते हैं तो इस तरीके से ओपन करके बिल्कुल मत छोड़िएगा, प्रोडक्ट पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो जब भी आप यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद इसे इस तरीके से लॉक करके रखिए। तो चलिए इसे मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। आपको इस तरीके से अपने फेस से हाथों को कम से कम इतना दूरी पे रखना है और इसे दूर से अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है। बहुत ही प्यारी धीमी धीमी सी खुशबू है। मैंने इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया है। आप इसे हाथों से इस तरीके से नहीं करना है, इसे सूखने देना है अपने फेस के ऊपर। एटलीस्ट 5 मिनट छोड़ दीजिएगा, वो आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाई चांस अगर फेस में एब्जॉर्ब नहीं होता है किसी भी रीज़न से तो आप इस तरीके का एक स्पंज लेके अपने फेस के ऊपर इसे धीरे धीरे इस तरीके से कर सकते हैं। पहले मुझे लगा था कि इतना एक्सपेंसिव है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। मैंने 1900 रुपये से पानी परचेज़ किया है, लेकिन जब मैं इसे धीरे धीरे यूज़ करने लगी तो मुझे इसके बेनिफिट्स पता चले। मैंने मेकअप करके मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिन भर मैं बाहर रही लेकिन मेरा मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, बिल्कुल भी केकीनेस नहीं हुआ था। मेरा मेकअप जैसे का तैसा ही था, मेरे मेकअप में कोई ख़राबी नहीं आई थी। तो मुझे अब लगता है कि मतलब पैसे वेस्ट नहीं हुए, उसका बहुत अच्छा यूज़ हो गया। तो अगर आप परचेज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक बार परचेज़ करके यूज़ करके देखें। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।